सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिमाज लाइफ। और मैं हूँ अनिमा। तो आज मैं लेकर के चलती हूँ आप लोगों को रावतपुर से लेकर के गुरुदेव मेट्रो स्टेशन तक, और देती हूँ वहाँ के कंस्ट्रक्शन का पूरा डिटेलिंग में व्यू कि क्या बना है और कितना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। तो इसलिए आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और आई होप अगर अच्छे लग रहे हो वीडियो आप लोगों को, थोड़ा बहुत भी अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहे हो, तो प्लीज़ यार एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ लाइक तो कर ही दिया करिए आप लोग बिना कहे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था गोल चक्कर तक, तो आज मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ गोल चक्कर और रावतपुर के बीच से। अगर आप लोगों को याद हो, वहाँ पे एक हृदय रोग संस्थान करके है, तो हमने वहाँ से ये वाला वीडियो शुरू किया है। तो चलिए अब देखते हैं इसके आगे का रिसेंट व्यू। और ये देखिए आगे है रावतपुर क्रॉसिंग, और अब हम पहुँचने वाले हैं रावतपुर मेट्रो स्टेशन। और यार रियली मुझे ऐसा लगता है ना कि कानपुर में बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। आप किसी भी टाइम निकल जाइए, सुबह दोपहर शाम कभी भी। और बहुत सारे शहर हैं ऐसे जो मेट्रो शहर हैं या फिर और भी बहुत सारे बड़े शहर हैं, लेकिन वहाँ ना थोड़े सिस्टम का ट्रैफिक रहता है। यहाँ कहीं भी कोई भी गाड़ी घुसा देते हैं, छोटे के बीच में बड़ी गाड़ी घुसा देते हैं। अब ये देखिए आगे ट्रक चल रहा है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं रावतपुर मेट्रो स्टेशन। तो ये देखिए रावतपुर मेट्रो स्टेशन का आउटर व्यू, और ये है नीचे की मार्केट। वहाँ पर मेट्रो स्टेशन का लगभग स्ट्रक्चर जो है ना, स्टेशन का स्ट्रक्चर वो कंप्लीट हो चुका है, बट अभी एडिशनल जो वर्क होते हैं उसमें पेंटिंग या फिर जो भी वर्क होते हैं वो अभी कुछ भी नहीं हुआ है। ये हम पहुंच गए हैं अभी गीता नगर क्रॉसिंग, ये वाली है गीता नगर क्रॉसिंग। और इसके आगे ये है, ये देखिए ये है मेट्रो पिलर्स वगैरह और यू गार्डर वगैरह जो कि कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और आप लोगों को पता होगा ना कि जीटी रोड और ये जो हमारा कासगंज वाला रेलवे ट्रैक है ये बराबर से ही चलता है। तो इसलिए ना यहाँ की रोड पे शायद आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि वो रेलवे ट्रैक जो है ये वाला और ये मेट्रो का जो कंस्ट्रक्शन है दोनों का ही सामान रोड पे पड़ा हुआ था। और यहाँ पे ये पिलर्स वगैरह भी इनकम्प्लीट हैं, मतलब अभी शायद इनका, ये देखिए इनका स्ट्रक्चर ही बनाया गया है और ये स्ट्रक्चर में भी फिलिंग वगैरह भी बाकी है। और ये युगा यहाँ से आप लोगों को पता होगा शायद ट्रैक चेंज होता है जो कि जाता है मेट्रो डिपो की तरफ। और ये है गीता नगर मेट्रो स्टेशन जो कि इसका आउटर व्यू ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इसमें एज यू कैन सी कि कोई भी शटरिंग या फिर कोई भी स्ट्रक्चर अभी यहाँ पे बंधा नहीं है। और यहाँ पर आप लोग ये देख रहे हैं ना डबल ट्रैक, तो ये जो डबल ट्रैक है ये जाता है मेट्रो डिपो की तरफ जो सेकंड वाला है, और ये गीता नगर का ऑपोजिट साइड का व्यू है। बट या अभी इसमें स्टेयर्स वगैरह नहीं बनाई हैं क्योंकि पहले वो ट्रैक को कंप्लीट करेंगे और थोड़ा सा डिस्टेंस को बढ़ा करके लेंगे वो लोग, क्योंकि यहाँ से ट्रैक चेंज हो रहा है। तो ये देखिए अभी ना थोड़ा सा आगे से लिया है ट्रैक चेंज करने के लिए, लाइक उसको ना थोड़ा सा डाउनफॉल करके फिर वो डिपो में जाएंगी ट्रेनें वगैरह, तो वहाँ पर उनकी धुलाई और सफाई जो भी वगैरह होता है वो होगा।
तो अभी इसलिए ना ये जो स्ट्रक्चर वगैरह है इसको देखो बना के रखा, अभी इसमें फिलिंग वगैरह नहीं हुई, इसको इस स्ट्रक्चर को ही बांध के रखा हुआ है अभी। और ये देखिए यहाँ पे डबल पिलर्स वगैरह दिख रहे होंगे आप लोगों को ना, तो ये डबल पिलर्स इसीलिए हैं क्योंकि पहले वो एक पिलर और दो, मतलब पहले वो दोनों पिलर को कम्प्लीट कर लेंगे, उसके बाद इसी के ऊपर वो ट्रैक देंगे। तो ये एक जाएगा मेट्रो डिपो की तरफ और दूसरा जाएगा IIT कल्याणपुर की तरफ। तो ये है इसका रीसेंट व्यू और आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा, जितना मुझे नॉलेज है उतना मैं आप लोगों को मतलब बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो सेकंड ट्रैक है ना वो जो डिपो की तरफ जा रहा है आप लोग देख पा रहे होंगे, तो वो भी इनकम्प्लीट है, मतलब उसमें भी यू गार्डर वगैरह डालने हैं शायद और कहीं कहीं पे यू गार्डर वगैरह पड़ भी गए हैं। और जो फर्स्ट ट्रैक है जो हमारा जाता है IIT कल्याणपुर की तरफ, वो देखिए वो पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है, नीचे के पिलर्स भी कम्प्लीट हो चुके हैं और ऊपर यू गार्डर वगैरह भी पड़ चुके हैं। हाँ, वो पेंटिंग वेंटिंग अभी नहीं हुई है, जो मतलब एक्स्ट्रा एडिशनल वर्क होता है वो सारा अभी नहीं हुआ है। तो अब हम चलते हैं गुरुदेव की तरफ और देखते हैं गुरुदेव का रीसेंट अपडेट क्या है, गुरुदेव मेट्रो स्टेशन का। तो फिलहाल हम पहुंचने वाले हैं अभी गुरुदेव चौराहे की तरफ। हम पहुंच चुके हैं गुरुदेव और ये देखिए ये है गुरुदेव क्रॉसिंग का फाटक और इधर है ये गुरुदेव चौराहा। तो अभी हम चलते हैं गुरुदेव मेट्रो स्टेशन की तरफ, थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर के जो कि मेट्रो स्टेशन बनाया है। तो चलते हैं गुरुदेव मेट्रो स्टेशन और ये देखिए गुरुदेव मेट्रो स्टेशन का आउटर व्यू, उस साइड की स्टेयर्स वगैरह जो हैं उस पर भी काम चल रहा है। और ये है नीचे का व्यू जहाँ पे ऑलमोस्ट ये कम्प्लीट हो चुका है स्टेशन का, मतलब आउटर व्यू इस साइड से तो शायद कम्प्लीट हो चुका है। तो अभी इसको देखते हैं बैक साइड से कि बैक साइड्स में क्या अपडेट है। तो मुझे लगता है बैक साइड के ये पिलर्स वगैरह और यू गार्डर वगैरह जो भी हैं वो शायद कंप्लीट हो चुके हैं। एंड या वन मोर थिंग, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आप लोग मुझे अपने सजेशंस वगैरह दे सकते हैं। मेरा इंस्टा अकाउंट है animapal.life। और ये देखिए हमने ये अपोजिट साइड से गुरुदेव का व्यू देख रहे हैं, गुरुदेव मेट्रो स्टेशन का सॉरी। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये देखिए ये है मेट्रो हॉस्पिटल। तो अभी हम चल रहे हैं ना डिपो की तरफ, लेकिन मैं डिपो का व्यू इस वीडियो में नहीं देने वाली क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा था इसलिए, तो वो आप लोगों को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इसलिए ना ये देखिए स्टेयर्स वगैरह का काम चल रहा है यहाँ पे। तो इसलिए ना आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर वीडियो थोड़े बहुत भी अच्छे लग रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो प्लीज़ यार लाइक वाइक तो बनता है। तो ये तो था रावतपुर से लेकर के गुरुदेव तक के मेट्रो स्टेशन का ओवरव्यू, डिटेलिंग व्यू एंड ऑफ कोर्स रोड साइड व्यू। सो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा या फिर थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इट्स अ रिक्वेस्टेड प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। सो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए।